दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वाले लोगों की संख्या कथित तौर पर 10 पहुंच चुकी है, जिसमें अपोलो अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कल सर गंगाराम अस्पताल ने चिकनगुनिया से 4 मरीजों की मौत की खबर की पुष्टि की थी। वहीं से पहले 2 सितंबर को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भी एक मरीज की मौत हुई थी। इन सबके बीच आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चौंकाने वाला हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि 10 सितंबर तक किसी भी व्यक्ति की चिकनगुनिया से मौत नहीं हुई है। केजरीवाल सरकार के हलफनामे के मुताबिक दिल्ली में अब तक डेंगू से 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन चिकनगुनिया से एक भी मौत नहीं हुई है। हलफनामा दायर करने के बाद आज कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के तरीके के बारे में बताने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। इसके अलावा डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इस पर भी अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अकेले दिल्ली में मरीजों की संख्या 1000 के पार चली गई है। इससे पहले कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने चिकनगुनिया से किसी भी मौत से इनकार किया था और दिल्ली को पीएम मोदी और एलजी के भरोसे बताया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हर संभव मदद पहुंचाने का वादा किया है। साथ ही केंद्र ने दिल्ली सरकार से चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। देश की राजधानी दिल्ली में चिकनगुनिया लगातार पैर पसार रहा है और अब तक कथित तौर पर 10 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के अधिकतर अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों से भरे पड़े हैं, लेकिन यहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।